तो भाई लुटेरों को लिया जिन्होंने लूट लूट के इस हरियाणा का पहले शोषण किया। लोकसभा में जो झूठ का सहारा लिया गया, परिवार एक ही उसका वर्चस्व रहा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच। इस वक्त रोहतक के जो मीडिया सेंटर जो प्रदेश का बीजेपी ने बनाया है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ अशोक तंवर जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, और इनसे जानेंगे कि क्योंकि अभी जिस तरह से इन्होंने पत्रकार वार्ता की और कई तरह की जो बातें भी कही आरक्षण को लेकर के, खासतौर पर बात की कि इस विधान को लेकर के क्या कहेंगे इसको लेकर, भरोसा दिल से बीजेपी एक बार फिर से ये नारा आप। बिल्कुल, भरोसा लोग दिल से कर रहे हैं और इसीलिए बीजेपी तीसरी बार आएगी हरियाणा में। मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी जिस तरीके से 9.5 वर्ष काम करके आज केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोगों को साफ पता है कि कांग्रेस बोलती कुछ है, करती कुछ है। उन्होंने जहाँ जहाँ लोगों ने मौका दिया, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना, इन प्रदेशों को आज बिल्कुल बदहाली, आर्थिक तौर पर बदहाली की तरफ धकेल दिया है। तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों के पास, उनके पास पैसे नहीं है, विकास कहाँ से करेंगे। तो ऐसा ही अगर हमें विकास चाहिए तो भाई लुटेरों को ले आओ जिन्होंने लूट लूट के इस हरियाणा का पहले शोषण किया। किसान और हर वर्ग जो है वो इनसे दुखी था। दलितों के ऊपर अत्याचार किस तरीके से था, हर 18 घंटे के अंदर एक दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना होती थी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उसके ऊपर काम करती है और हरियाणा को 10 वर्षों में बहुत आगे लेकर के गई है। तो झूठ और सच, इसमें फर्क लोगों को करना होगा और लोग कर भी रहे हैं। लोकसभा में जो झूठ का सहारा लिया गया, जिस तरीके से अफवाह और षड्यंत्र फैलाए गए, अब मुझे नहीं लगता कि वो फिर दोबारा बात सिरे चढ़ेगी। तो बाकी टिकटों में आपने देखी है किस तरीके से एक ही परिवार, एक ही उसका वर्चस्व रहा, वो सामंती सोच टिकटों में भी दिखी और जमीन पे भी हम देख रहे हैं। शैलजा जी को जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, ये कांग्रेसियों के अंदर की आवाज है। राहुल गांधी जी उस चीज को बाहर विदेश में बोलते हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, वही चीज जमीन पे देखने को मिलती है। तो पूरा तालमेल है, नीचे ऊपर का पूरा तालमेल है।